मकर संक्रांति के इस पावन और पवित्र दिन पर आज म्युनिसिपल कमेटी नगरी के चेयरमैन अनिल सिंह अंडोत्रा ने वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 12 के लोगों की जो काफ़ी लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या चली आ रही थी, आज 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाकर उनकी इस समस्या को हल कर दिया। अगर बात करें कुछ पिछले दिनों की तो लगभग काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर अलग अलग बाड़ों में लगा चुके हैं। जहां भी लो वोल्टेज की समस्या होती थी अब वो समस्या जो है वो हल हो चुकी है। आइए जानते हैं और लोगों ने क्या कहा और चेयरमैन द्वारा क्या कहा गया। आज मकर संक्रांत है, आज एक 8 नंबर वार्ड की एक बड़ा अच्छा एक सुहाना मौका आज दिता है। चेयरमैन दे साहब की इजाजत करने आज सानू एक लाइट का प्रबंध जरा सा सवेरे से लगे थे बंदे और सारी दुनिया अज दिक्कत भी आई कि हाँ भाई अज संक्रांत है जी, अज लाइट बंद है, लेकिन यह नहीं है कि लाइट बंद है तो लाइट का कारण यह है कि अज 8 नंबर वार्ड आने एक सानू लोगों बड़ी राहत मिली है। लो वोल्टेज समस्या हल हुई? बिल्कुल सर बिल्कुल, अज बड़ी ही जी परेशानियों कने अस झेले पिछले टाइम से जो गर्मियाँ जो वोल्टेज लो या ट्रांसफार्मर कई कट जे वो, लेकिन इस चीज़ की समस्या जी है अज दूर हो गई है। अस बहुत बहुत धन्यवाद करने हैं। एक 8 नंबर वार्ड का नहीं सर, पूरी नगरी इस दिक्कत को बड़ी जल्दी ही सुधार होया सारी नगरी के बच्चे और जो चेयरमैन साहब बने अनिल सिंह अंडोत्रा और बहुत सारा खुशियां लेइए नगरी के बच्चे उत्सव करने चले करता। और हर आज जे जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है ये 100 केवी का है, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 8 के लोगों को लो वोल्ट से इससे निजात मिलेगी। बहुत सारे वोल्ट लोगों ने कारण लोगों की बहुत सारी डिमांडें थी जो आज लोगों की पूरी हो जाएगी। देखो सर्वप्रथम तो मैं सभी नगरी वासियों को, तमाम कठुआ और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने यहां पे वार्ड नंबर 8 और 12 के लोगों की एक जो लो वोल्टेज की समस्या थी उसकी कड़ी में एक और आज हमने यहां ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया है, जिसमें मेरे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब श्री बबलू कुमार जी, पार्षद सुरेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ हैं और यहाँ के गाने माने लोग जो हैं उनकी मौजूदगी में आज हमने यहाँ उद्घाटन किया। ये बहुत समस्या थी लोगों को, आए दिन हम देखते थे कि लो वोल्टेज की वजह से किसी का टीवी ख़राब होता था, किसी का एलईडी ख़राब हो जाती थी, या किसी के बच्चों के पढ़ने की समस्या आती थी, या कोई रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाता था। तो उम्मीद करते हैं अभी आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। और बड़ी बात यह थी कि जो 8 नंबर में कुछ जो एरिया था यहाँ जो अभी लाइट जाएगी, वहाँ पहले सिंगल फेस लाइट ही थी, तो अब लोगों को 3 फेस लाइट मिलेगी और लोग खुश हैं। सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारक, तमाम वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 8 के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। हमने उनकी इस समस्या को हल करने का अपनी तरफ से एक प्रयास किया है और ऐसे ही बाकी भी आगे हम करते जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से पूरे नगरी अपने टाउन कि जो लो वोल्टेज की समस्या है इसको पूरी तरह से हम निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और ऊपर जो भी हमारे हाईकमान है उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद।